हाँ, तो भाई साहब आए हम अगले दिन सुबह, है ना। तो कल हम शाम को पहुंच गए थे ले, जैसा कि आप लोगों ने देखा। फिर हमने होम स्टे में चेक इन वेक इन किया, अंधेरा हो गया था। फिर कल सारा सामान गाड़ी से एक्चुअली अनलोड होनी थी। अभी तक तो सिर्फ एक या दो सूट के हम निकाल रहे थे, इंस्टॉलमेंट में निकलती थी वापस चली जाती थी, ऐसा होता था। कल सारा सब कुछ अनलोड हुआ गाड़ी से, तो वो सब सेट वेट करने में टाइम लगा। राइट। तो अभी रूम हमने, फिर ये होम स्टे जो है ये ले का चुबी रोड करके है कि ये शांति स्तूपा के पास है। हाँ। तो हम पुराने, अगर आप लोगों ने हमारे लद्दाख सीरीज देखे होंगे, हम इसी के पास में ही थे। मतलब उसी भैया के ही जान पहचान है ये। हाँ। उनके वहाँ पे बस अभी मैराथन के लिए पूरा फुल्ली बुक्ड है। हाँ। और हमने उनको बोला नहीं था पहले से, तो बट उन्होंने हमारे लिए ये वाला अरेंज कर दिया, विच इज प्रिटी गुड। काफी सही। इसका नाम है मिलारेपा गेस्ट हाउस। बाकी सब डिटेल्स हम दे देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड ऑल। तो बढ़िया सी है इसके, हमारा तो ये रूम दिख रहा है सामने, एकदम ग्लास वाली है और उस साइड में एप्पल गार्डन वार्डन पूरा है। दिखा दें आपको और अच्छे से इसको। यस, होम स्टे का टूर हम लोगों को करवाते हैं, है ना। तो चलो। सो ये है अपना रूम, उस तरफ है वॉशरूम एंड उधर कोंटे में हमारे सूटकेस वूटकेस सब रखे हुए हैं। ये टेबल यहाँ पे है, दो चेयर्स है, हमारे बैग्स एंड ऑल। एंड ये हमारे आते ही थोड़ा सा एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप है। इधर दो रूम है, लास्ट वाला रूम अपना है। एंड ये यहाँ से बाहर निकलते ही फुल गार्डन एंड सामे ऑफ कोर्स। ये इनके खुद के पूरा वेजिटेबल का प्लांटेशंस है, ये आप देख सकते हो। पूरा पत्ता गोभी का है, फिर इस तरफ फुल इधर फुल गोभी, ब्रोकली सब है। बाकी बहुत सारे पत्ते छत्ते हैं जो हमें नहीं पता। ये इनका मेन हाउस है जहाँ पे वो लोग रहते हैं और ऊपर साइड में देते भी है, बट सारे बड़े फैमिली रूम्स हैं। ये वाला इनका न्यूली बिल्ट है एकदम, जिसमें हम रह रहे हैं अभी। एंड इधर है इनके पूरे एप्पल एंड एप्रिकॉट के प्लांटेशंस। ये एप्पल आप देख सकते हो आगे वाले पेड़ पे, एंड दिस इज द एप्रिकॉट वन। सो वो मेन रोड जो है दैट इज चुबी रोड, एंड वो ऊपर जो है एक मॉनेस्ट्री है। एंड दिस इज आवर होम स्टे, मिलारेपा गेस्ट हाउस। Hey, good morning everyone, and welcome back to Abhi's Travel. ये हमारी पहली ब्लॉग होगी शायद फ्रॉम ले से। ले तो आज है सैटरडे, तो हम आज जा रहे हैं हेमिस मॉनेस्ट्री, जो यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास है, ले मनाली हाईवे में पड़ती है। तो काफ़ी फेमस है, हमने पहले कभी देखा नहीं, कभी गए नहीं, तो आज पहली बार। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, घंटा भर लगना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो है ना। Let's start. चलो। ये आके हम मिल गए ले मनाली हाईवे, है ना। मस्त है। सिर्फ 41 किलोमीटर को 56 मिनट्स। रास्ता तो एकदम मक्खनी है, समझ ही जा। और ये राइट साइड में एक बढ़िया सी क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम। अभी ये स्टेडियम बन गई है ना। यस। पिछले बार जब हम आए थे, हमने यहाँ पे टूर्नामेंट देखी थी क्रिकेट की। यस। आ जाते थे आए दिन दोपहर को, कोई ना कोई मैच तो चलता ही था। तो मस्त, अभी इसी रोड में एकदम स्ट्रेट जाना है जाके, फिर हमें इसके लिए कहीं से कट आएगी छोटी सी। एंड ये सामने दिख रही है थिक्से मॉनेस्ट्री, काफी सुंदर मॉनेस्ट्री है एंड मस्ट विजिट। हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो मैं वीडियो कार्ट में छोड़ दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। बड़ा सुंदर है मॉनेस्ट्री, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अंदर नया पुराना दोनों साइड है। यस, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल।
और वहां से ऊपर से जो व्यू आती है ऑब्वियसली दैट इज द अनदर लेवल। सो ये हमने ले लिया हेमिस मॉनेस्ट्री के लिए राइट। मस्त जगह है एकदम। क्या मिल रही है आप? हाँ, उधर से कोई एक ग्लेशियर, आई थिंक ग्लेशियर या नदी का कोई। हाँ, दूसरा कोई नदी हो सकती है। हाँ, यहाँ पे फुल नेटवर्क है तो नेविगेशन का कोई भी इशू नहीं होगा। ले से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा 4G 5G चलेगी। ये है इंडस रिवर ब्रिज, इसका नाम है। जब दूर में दिख रही है हेमिस मॉनेस्ट्री, काफी बड़ी है, मतलब काफी ऐसे फैलाया हुआ है इसने कि एक कोंटे में बनाया हुआ और एकदम पहाड़ के गोदी में काइंड ऑफ पहाड़ को लग के है। अब जब उस साइड से आओगे आपको बिल्कुल दिखेगी नहीं क्योंकि यही पहाड़ पूरा गार्ड किया हुआ है। जैसे ही आप पहाड़ को क्रॉस करोगे वैसे ही दिखेगी। गूगल यहाँ पे थोड़ा सा उबर खाबर करती है बट रास्ता जैसे बना हुआ है वैसे ही चलते रहना क्योंकि यहाँ पे बुलबुले या होने का कोई स्कोप ही नहीं है। कोई 10-4 रास्ते तो है नहीं, बहुत ज्यादा लोकेशंस भी नहीं है कि कहीं कहीं चले जाओगे। होम स्टेज गेस्ट हाउसेस भी बहुत होंगे सर लग रहा है ऐसे। पूरा का पूरा मनस्ट। हाँ, किन्हीं को अगर आइसोलेटेड में रहना हो तो दे कैन क्योंकि नेटवर्क तो है। नेटवर्क का कोई इशू नहीं है गाइस। तो सो आ गए हम लोग पीछे। ये टिकट काउंटर 50 रुपीज करके है पहित, है ना? और उसके थोड़ा सा पीछे है पार्किंग। यस, वो नीचे के साइड में। तो कोई ना, अभी हम ऊपर चढ़ते हैं और दिखाते हैं। सो ये हम बैठे हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। तो इनके मेन टेंपल के अंदर तो ऑब्वियसली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को कुछ भी अलाउड नहीं है। दो टेंपल है ना, एक बुद्ध टेंपल एक मेन टेंपल। दोनों में अलाउड नहीं है। तो अब मस्त उधर एकदम शांत है। अब अच्छे से जाओ, अपना प्रेयर करो एंड फिर बाहर आके आप अपना फोटोशूट जो भी है कर सकते हो, है ना? तो मस्त, उतना भीड़ कुछ है नहीं। अभी वो पीछे म्यूजियम है, अभी हमने टेंपल्स घूम लिए, अभी हम म्यूजियम की तरफ चलेंगे, है? तो थोड़ा यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा है ना। हवा खाता है। तो है बट हवा काफी अच्छी है, मस्त है। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं फिर म्यूजियम की तरफ चलते हैं। क्या जगह है, मस्त एकदम शांत। तो म्यूजियम के अंदर भी हम घूमे, थोड़ा सा चुटपुट शॉपिंग किए। वहाँ पे आप लोगों को पेंटिंग की रिंग्स बहुत सारे यूनिक कलेक्शन भी मिल जाएंगे। बाकी के मॉनेस्ट्री में नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। हाँ, इवन लद्दाख के लेके मार्केट में भी नहीं दिखेगी। राइट, तो मस्त है। और बट हाँ, कैश चलती है सिर्फ। तो अगर आप नेटवर्क यहाँ पहुँचने के बाद नेटवर्क चली जाती है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो कैरी कैश। मस्त है, थोड़ा सा घंटा भर तो और आराम से लग जाती है। नहीं, कम से कम एक घंटे का प्लान करके आओ, बढ़िया लगेगा एकदम। मस्त लगेगी, बहुत ही सुंदर एकदम शांत मॉनेस्ट्री है। तो कोई ना, हमारा हो गया घूमना फिरना, हम बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से। रास्ते में पहुँच के देखते हैं कहीं पे खाने वाने के लिए रुकेंगे, है ना? चल
सो हम निकल रहे अभी हेमिस मॉनेस्ट्री से, मतलब धूप अगर ना हो जाए थोड़ा सा और इधर उधर थोड़ा सा चक्कर काटते, बट धूप काफी है, बहुत ज्यादा एकदम चुभने वाली धूप है। तो एनीवे अभी बज रहा है देर के आसपास, तो अभी यहाँ से बाहर निकल के हाईवे पे पहुंच के हम कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे, है ना? तो चलो खाने के वहां पे एकदम पहुंचते हैं, फिर वहां पे जाके मिलते हैं। अभी ये कारू टाउन में पहुंच गए हम, देखते हैं यहाँ पे कहीं खाने वाने का देखेंगे, खुले में कहीं पे हो, है ना? हाईवे साइड, हाँ कोई धावा शावा टाइप। सो खा पी के निकल लिए हम, अभी यहाँ से 47 मिनट्स दिखा रही है मैप में, तो मस्त। और तो कुछ करने के लिए है नहीं, ये एक ही करने के लिए आए थे हम। इजी साइट सीन, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे ही आराम आराम से जगह देखो, यस घूमो फिरो, है ना, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, राइट। बाकी हमारे पास डेज का कोई लिमिट है नहीं, yeah. तो आराम आराम से घूमना है, जैसे हम करते हैं ना, राइट। और आज गाड़ी चला रही है सुष्मिता, वो भी कहाँ, ले मनाली के हाईवे में, मनाली टुवर्ड्स ले। हम आए थे हेमिस मॉनेस्ट्री घूमने, घूम लिए, और अभी मैडम ड्राइव करके ले जा रही है बिच्छू को और मुझे टू ले। बहुत मजा आ रहा, कैसा लग रहा है? बढ़िया, हाँ सही, बढ़िया है।